नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। नवाबों का शहर लखनऊ अपने लजीज खानों के लिए देश विदेश तक अपनी खास पहचान रखता है। नवाबों के मुगलई खानों के चलते देश विदेशों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लखनऊ में अब तमाम फास्ट फूड व पिज्ज़ा जैसे व्यंजनों ने अपनी जगह बना ली है। कई कंपनियों द्वारा लखनऊ वासियों को पिज्ज़ा और बर्गर परोसे जा रहे हैं। रविवार को हजरतगंज केकेडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर रोमिनस पिज्ज़ा पार्लर की ओपनिंग हुई। इस दौरान यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व सांसद जुगल किशोर ने फीता काटकर पिज्ज़ा पार्लर का उद्घाटन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेय त्रिवेदी है। आज आप पिज्ज़ा खाने आई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पिज्ज़े थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा टेस्ट है और क्या क्वालिटी है पिज्ज़ा? बहुत अच्छे पिज्ज़ा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा चीज़ी भी है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बाकी सबसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट पिज्ज़ा है। मैडम अपना परिचय दे दीजिए, आज आप पिज्जा की ओपनिंग में आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आद्या श्रीवास्तव है, कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और आज पिज्जा ओपनिंग में सर ने इनवाइट करा और बहुत अच्छा लगा कि एक मतलब हजरतगंज मेन जहाँ पे सबकी एक्सेस है वहाँ पे लोग आके अपना पिज्जा एंजॉय करें, और अभी हमने खाया, बड़ा अच्छा टेस्टी भी है, तो बड़ा अच्छा लगा। कई ब्रांचेस और है, क्या कुछ आज ओपनिंग है, क्या कुछ उनके लिए परमिशन देना है? जितनी इनकी ब्रांचेस है हमें पता लगा कि इनकी अब शायद 5 ब्रांचेस लखनऊ में है, कानपुर में भी है, और हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े और तरक्की करें और हर जगह लखनऊ में इनकी एक एक ब्रांच हो। और सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद आए, पिज़्ज़ा वैसे ही लवर्स आजकल बहुत ज़्यादा है, पिज़्ज़ा बर्गर और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं, क्या कुछ लोगों से कहेंगे अपनी करेंगे इस पिज़्ज़ा के लिए? लोगों से यही कहना चाहिए कि वो आएँ और उनको अगर यहाँ पे पिज़्ज़ा के बहुत से सेंटर्स हैं पर यहाँ का पिज़्ज़ा हेल्दी है, सेफ है, आप आएँ खाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनके आउटलेट को प्यार दें और सब परिवार को लेके आएँ, खूब जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा बिक्री होगी और सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आउटलेट है इनका और बहुत अच्छी जगह पर है। टक्कर नहीं, सबका अपना अपना मतलब स्वाद है सबका, जिसको डोमिनोज जाना है वो डोमिनोज जाए, जिसको डोमिनोज आना है, ऐसा कोई टक्कर वाला नहीं है, बस ये है कि अच्छा पिज्ज़ा देंगे, अच्छा टेस्ट देंगे तो लोग अपने आप ही पसंद करेंगे। अपना परिचय दे। मैं जुगल किशोर, पूर्व सांसद, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता। आज आपने पिज्जा स्टोर की करी है, उद्घाटन किया, फीता काटकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अरविंद त्रिपाठी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके कई प्रतिष्ठान हैं, होटल भी हैं, मैंने जहाँ इनको देखा इनकी इतनी अच्छी लगन है काम करने की और इसको अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि जो आज ये पिज्जा का उद्घाटन कराया दुकान का ये बहुत अच्छी चलेगी और इनका हमेशा ही तालमेल अपने ग्राहकों से और लोगों से बहुत अच्छा तालमेल रहता है। इनकी जो मटेरियल का जो मटेरियल है इनका भी क्वालिटी नंबर एक की रहती है। मैंने तो खाया, पहली बार तो मैं ये सब खाता नहीं हूँ, ये फास्ट फूड, लेकिन मैं आज यहाँ पे आके खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसा कि मैंने सुना था कि ये अवध की शान है, ये वास्तव में ये दुकान भी ये अवध की शान में चार चांद लगाएगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह शेखावत है, मैं रोमिनस पिज्जा एंड बर्गर का मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हूँ। आज यहाँ पे पिज्जा की ओपनिंग हो रही है, क्या कुछ खास है आपके पिज्जा में लोगों को? रोमिनस पिज्जा एंड बर्गर जो है ये एक जयपुर बेस्ड ब्रांड है और यहाँ जो है हम लोग कस्टमर को कोशिश करते हैं कि हाइजीनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और हमारा जो स्टोर है उसका आसपास का एरिया जो है वो क्लीन रहे, और हम लोग इसे बिल्कुल फॉलो करते हैं। आज की डेट में मैं मानता हूँ कस्टमर जो है उसे क्लीन क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिले तो डेफिनेटली लौट के जरूर आता है, तो हम वही चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपने कही जयपुर का ब्रांड, आप लखनऊ में खोल रहे हैं, लखनऊ के लोगों से क्या कुछ उम्मीद रखती है और क्या लखनऊ के लोगों को आपका टेस्ट पसंद आएगा? ऑफकोर्स लखनऊ के लोगों को हमारा टेस्ट पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारा पहला आउटलेट नहीं है, इससे पहले हम 5 आउटलेट्स की ओपनिंग कर चुके हैं, हमारा आशियाना, राजाजीपुरम, गोमती नगर, वृंदावन एंड विकास नगर, यहाँ पे ऑलरेडी आउटलेट्स हैं लखनऊ। क्या प्राइस रेंज है, किस प्राइस रेंज से स्टार्टिंग है पिज्जा? हमारे पास जो सबसे कम प्राइस का जो पिज्ज़ा है वो 59 रुपीज़ का है। क्या उद्देश्य है इतनी कम प्राइसिंग से पिज्ज़ा स्टार्ट करने का, सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हो पाए ऐसा कुछ?
दरअसल हम चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के बजट के हिसाब से बनाएं। हम चाहते हैं कि जो इंडिया में जो हमारे यहाँ पे जो भी लखनऊ के कस्टमर जो हैं वो आएं, तो उनको हम कम प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें जो कि उनकी बजट में और उनकी पॉकेट पे ज़्यादा भारी ना पड़े। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई पिज़्ज़ा आउटलेट हैं, क्या कुछ अलग रहेगा आपके पिज़्ज़ा में वो आउटलेट से जो कस्टमर्स आपके पास आए? आई थिंक डिफरेंट तो यही चीज़ रहती है कि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो उसमें आप प्रॉपर हाइजीन का देख रेख करें, अन्य प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर आप ध्यान दें, और आप कस्टमर को उसे हॉट एंड फ्रेश प्रोवाइड करें जो कि हमारी गारंटी भी है। हम 25 मिनट्स में डिलीवरी करते हैं और 11 मिनट्स में हम डाइनिंग में प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, अगर कस्टमर ऑर्डर करना चाहे तो किस तरह से वो ऑर्डर कर सकता है? कस्टमर ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर कर सकता है। डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड बर्गर की खुद की एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड पे भी है, iOS पे भी है, तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर डाइनिंग और टेक अवे की फैसिलिटी भी ले सकते हैं स्टोर में आके। क्या कस्टमर्स के लिए किसी प्रकार वीकली या मंथली ऑफर भी रहता है? ऑफकोर्स कस्टमर के लिए हम टाइम टू टाइम ऑफर्स निकालते रहते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे भी ऑफर्स हैं जिसमें बाय वन गेट वन के ऑफर्स रहते हैं। उसके अलावा डिफरेंट फेस्टिवल सीजन्स पे भी हम लोग ऑफर निकालते हैं। अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वहाँ भी आपको कुछ कूपन अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट जरूर मिलता है। ठीक है, यही है कि हम लोग एक स्टार्टअप है जो कि मेक इन इंडिया ब्रांड पे फोकस करता है, तो हम चाहते हैं कि आप आइए, आके एक बार प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिए।